तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब में हज करने गए 22 हज यात्रियों की गर्मी की वजह से मौत, सड़क किनारे दिखी लाशें तो घबराकर सऊदी अरब की सरकार ने 2700 हाजियों को अस्पताल में कराया भर्ती। हज यात्रा करने गए हाजियों की लगातार गर्मी से सऊदी में हो रही है मौत। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से दिया इस्तीफा, अब यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से बने रहेंगे सांसद, वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से बाबरी मस्जिद का नाम हटाने पर भड़के असुद्दीन ओवैसी, बीजेपी को लेकर कह दी बड़ी बात। उड़ीसा में बकरा ईद के दौरान बकरे की कुर्बानी देने पर हिंदू हुए नाराज, मुसलमानों के घरों पर किया हमला तो पलटवार में मुस्लिम भीड़ ने कर दी हिंदुओं की पिटाई, वीडियो देश में जबरदस्त वायरल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से दुखी हुए प्रधानमंत्री मोदी, काशी की जनता पर निकाला गुस्सा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देने वाले अजीत पवार गुट का पारा हुआ हाई, बीजेपी को दे दी चेतावनी, कहा महाराष्ट्र में करेंगे सियासी खेला, गिराएंगे बीजेपी सरकार, समर्थन अजीत पवार कभी भी ले सकते हैं भाजपा से वापस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में गर्मी ने ढाया कहर, गर्मी की वजह से 22 हज यात्रियों की हुई मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में इस बार गर्मी ने कहर ढा रखा है, सऊदी अरब में गर्मी की वजह से आज 22 हज यात्रियों की मौत हो गई है और उनके सब सड़कों किनारे दिखे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसमें एक भारत का व्यक्ति भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब के मक्का मदीना शहर का तापमान 52.8% है। वहीं आपको बता दें कि गर्मी की वजह से 2700 हाजियों को सऊदी अरब की सरकार ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब में इस कदर गर्मी पड़ रही कि वहां पर हज करने गए हज यात्रियों की लगातार तबीयत खराब हो रही है और उसमें से कुछ लोग मारे भी जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से दुखी हुए प्रधानमंत्री मोदी, काशी की जनता पर निकाला गुस्सा। जब दोस्तों आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट पर पहुंचे, इस दौरान उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी की। वहीं आपको बता दें कि 17वीं किस्त जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से प्रधानमंत्री मोदी दुखी दिखाई दिए और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को फटकार भी लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी सहित अयोध्या और पूरे उत्तर प्रदेश में हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत विकास किया, इतने विकास करने के बावजूद भी देश की और प्रदेश की जनता ने हमको नकार दिया और हमारा प्रदर्शन बहुत खराब रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी और अयोध्या के लिए तो हमने दिल जान से मेहनत की थी, लेकिन यहाँ पर भी हमारी पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ज़्यादा दुख है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भुवनेश्वर में बकरे की कुर्बानी करने का विरोध करना हिंदुओं को पड़ा भारी, मुसलमानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जब दोस्तों आपको बता दें कि बकरा ईद के त्यौहार पर उड़ीसा के बालेश्वर इलाके में हिंदू समुदाय की मुस्लिम समुदाय से झड़प हो गई और इस दौरान जमकर पथराव हुआ जिसमें कई मीडिया कर्मी सहित कई पुलिस वालों को जख्मी होना पड़ा। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उड़ीसा के बालेश्वर में बकरा ईद का त्यौहार मुसलमान मना रहे थे और वो बकरे की कुर्बानी कर रहे थे, उसका खून नालियों में आ रहा था और इसी खून को देखते हुए वहाँ के हिंदुओं ने विरोध शुरू किया और हिंदुओं ने मुसलमानों को कुर्बानी ना करने की धमकी दी। लेकिन आपको बता दें कि बकरा ईद का त्यौहार मना रहे मुसलमानों को गुस्सा आया और उन्होंने विरोध कर रहे हिंदुओं की पिटाई कर दी, जिसके बाद यहां पर हिंसा भड़क गई और कई लोगों के काफ़ी चोट आई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सरकार की तरफ से बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी करने की छूट है, लेकिन ये अंधभक्त अब बकरे की भी कुर्बानी नहीं करने दे रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देकर अब अजीत पवार गुट हुआ बीजेपी से नाराज, बीजेपी को दे दी चेतावनी, कहा महाराष्ट्र में होगा सियासी खेला, गिर सकती है केंद्र में मोदी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एनडीए गठबंधन में खटपट शुरू होने लगी है, डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी के विधायक अनमोल मिटकरी ने चेतावनी बीजेपी को देते हुए कहा है कि अगर इसी तरह से अजीत
शुक्रवार को टारगेट किया तो हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका मिलने के पीछे अजीत पवार को दोषी माना गया है। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस ने अपने मुखपत्र में बताया है कि अजीत पवार ने इस बार बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठाए और उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया, जिसके कारण महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। लेकिन अब अजीत पवार के विधायकों ने धमकी दी है कि अगर बीजेपी वाले अजीत पवार को टारगेट करते हैं तो वो बीजेपी से समर्थन वापस लेंगे और फिर अन्य रणनीति पर काम करेंगे। अगर अजीत पवार गुट समर्थन वापस लेगा तो महाराष्ट्र में बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार है वो भी गिर जाएगी और केंद्र में भी भाजपा पर मुसीबत आ जाएगी। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से दिया इस्तीफा, अब रायबरेली से बने रहेंगे सांसद, वायनाड सीट से लड़ेंगी चुनाव प्रियंका गांधी। जदोसो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने कमजोर हो चुके संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास किया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से त्याग पत्र देकर रायबरेली सीट का संसद में प्रतिनिधित्व करने का निर्णय कर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। आपको बता दें दोस्तों कि राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से दो सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी इस बार जीत गए थे। तो राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से आज इस्तीफा दे दिया है और वो जो है रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। वायनाड से इस्तीफा देने के बाद प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया, यानी वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने ये बड़ा काम किया है, जिससे उत्तर प्रदेश में दोस्तों बहुत अच्छा काम कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एनसीईआरटी की किताबों से बाबरी मस्जिद का नाम हटाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कह दी बड़ी बात। जय दोस्तों आपको बता दें कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से बाबरी मस्जिद का नाम हटाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर सवाल उठाए तो वहीं अब एआईएमएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी आक्रोश जाहिर करते हुए बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकों में बाबरी मस्जिद तोड़ने के संदर्भ में किए जा रहे संशोधन के जरिए बच्चों को आपराधिक कृत्यों का महिमामंडन करते हुए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो किताबों में अब तक था कि बाबरी मस्जिद को कुछ हिंदूवादी लोगों ने गिराया और बाबरी मस्जिद के साथ गलत किया, वो चीज़ एनसीईआरटी को बच्चों को पढ़ानी चाहिए, उसको नहीं हटाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद का नाम जब एनसीईआरटी ने अपनी किताबों से हटाया है तो राम मंदिर का भी उसमें जिक्र नहीं होना चाहिए और बाबरी मस्जिद के खिलाफ एक भी शब्द उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वहाँ के हिंदुओं ने विरोध शुरू किया और हिंदुओं ने मुसलमानों को कुर्बानी ना करने की धमकी दी। लेकिन आपको बता दें कि बकरीद का त्यौहार मना रहे मुसलमानों को गुस्सा आया और उन्होंने विरोध कर रहे हिंदुओं की पिटाई कर दी, जिसके बाद यहां पर हिंसा भड़क गई और कई लोगों के काफ़ी चोट आई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सरकार की तरफ से बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी करने की छूट है, लेकिन ये अंधभक्त अब बकरे की भी कुर्बानी नहीं करने दे रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देकर अब अजीत पवार गुट हुआ बीजेपी से नाराज, बीजेपी को दे दी चेतावनी, कहा महाराष्ट्र में होगा सियासी खेला, गिर सकती है केंद्र में मोदी सरकार। जो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एनडीए गठबंधन में खटपट शुरू होने लगी है। डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी के विधायक अनमोल मिटकरी ने चेतावनी बीजेपी को देते हुए कहा है कि अगर इसी तरह से अजीत पवार को टारगेट किया तो हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका मिलने के पीछे अजीत पवार को दोषी माना गया है। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस ने अपने मुखपत्र में बताया है कि अजीत पवार ने इस बार बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठाए और उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया, जिसके कारण महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। लेकिन अब अजीत पवार के विधायकों ने धमकी दी है कि अगर बीजेपी वाले अजीत पवार को टारगेट करते हैं तो वो बीजेपी से समर्थन वापस लेंगे और फिर अन्य रणनीति पर काम करेंगे। अगर अजीत पवार गुट समर्थन वापस लेगा तो महाराष्ट्र में बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार है वो भी गिर जाएगी और केंद्र में भी भाजपा पर मुसीबत आ जाएगी। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से दिया इस्तीफा,
अब रायबरेली से बने रहेंगे सांसद।